guys, welcome back to Fitness Kilter channel. So guys, today I'm going to talk about the secret in fat loss. What is the secret in the fat loss program? Kaise fat loss kare? Kaise kare? Kaise kare? Sabka yahi sawal hai. Hum workout karte hai, fat loss karte hai, lekin kuch logo ko bina workout ka bhi fat loss program jana hai. तो ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअली विदाउट वर्कआउट फैट लॉस आप कैसे करेंगे, कैसे आपको फैट लॉस करना है, इस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ. तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आगे ये वीडियो देखें, और वीडियो देखने से पहले जो लाल कलर का बटन है स्टैंड बन जाओ, इसको सब्सक्राइब करो ताकि जो आगे का वीडियोज़ मैं पोस्ट करने चाह रहा हूँ वो भी आपको सबसे पहले देखने को मिले. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. Subscribe to Fitness Kilter channel and hit the bell icon for new video updates. Thank you. So guys, क्या करें डाइट के लिए? क्या करें? वर्कआउट भी नहीं करना है, फैट भी कम करना है, क्या करें? टेंशन मत लीजिए, बिना वर्कआउट का भी आपका फैट लॉस हो सकता है. आपको बस इतना चेंजेस करना है कि आप जो प्लेट आप मील में लेते हैं वो प्लेट साइज को पहले आप चेंज कीजिए, क्योंकि जो प्लेट साइज है ये बहुत डिपेंड करता है आप कितना मात्रा में खाते हैं और कितना ज़्यादा खाते हैं. ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है जो आपको एक चेंजेस करना है अपना रूटीन में, डेली रूटीन में. उसके बाद तो डाइट है जो आपको हेल्प करेगा फैट लॉस के लिए, बट जो प्लेट साइज है आप अगर इतना बड़ा लेते हैं तो आप उसका 75% लीजिए, मतलब 25% कम आप स्पेस का प्लेट लीजिए जो आप यूजुअली लेते हैं. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वी आर इंडियंस, सो मैक्सिमम इंडियंस का यही प्रॉब्लम है कि हम लोग पेट भर के खाते हैं, एकदम दबा के. जब तक मन का शांति नहीं हो तब तक खाते हैं. तो यही सबसे बड़ा गलती है जो हम लोग करते हैं और जो कि नहीं करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि पहले मैं भी यही करता था. पहले अभी नहीं, अभी आई एम ऑन अ बैलेंस डाइट. सो पहले ऐसे ही होता है और अभी भी जो लोग फैट से परेशान है वो ऐसे ही करते हैं. तो मैं पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि आप वो प्लेट साइज को चेंज कीजिए पहले, सबसे पहले. सेकेंड, डाइट, वॉट इज द प्रॉपर डाइट यू शुड टेक. तो नंबर वन, ऐसा नहीं है कि फैट लॉस के लिए आपको पूरा आपको खाना नहीं खा रहे, पूरा बिना खाना का है, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल. ये आपका शरीर के लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि प्रॉपर डाइट अगर शरीर में नहीं गया तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकता है. आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकता है, सर चकराएगा आपको, डलनेस लगेगा पूरा दिन भर, तो ये सब आ सकता है. तो क्या करें, क्या डाइट लें? तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि विदाउट एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, आप क्या करें अपने लिए ताकि आपका फैट लॉस हो जाए. क्योंकि बहुत जन का ये गोल रहता है कि उनका शरीर फ्लैट रहे, उनको मसल्स नहीं बनानी है, बस आप उनका पेट फ्लैट रहे, शरीर का जो मसल्स है, जो एक्स्ट्रा मसल्स है वो ना रहे उनके शरीर में. तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो क्या करें, पहले सबसे सुबह आप ब्लैक कॉफ़ी लेना चालू करें. ब्लैक कॉफ़ी में क्या रहता है ना, ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन का मात्रा रहता है जो कि फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है. तो आप सुबह उठ के पहले ब्लैक कॉफ़ी ले, और अगर हो पाए तो हल्का वॉक पे चले जाए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी नेसेसरी. इट्स नॉट अ वर्कआउट, इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ जॉगिंग, यू कैन से अ जॉगिंग विच विल हेल्प यू इन अल्टीमेट फैट लॉस. एंड उसके बाद दिन भर का जो मील है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है आपका फैट लॉस के लिए. तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको लेना ही है. तो प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या लें, सबसे पहले आपको राइस नहीं लेना है, आपको रोटी नहीं लेना है. राइस और रोटी अपना मील से आपको माइनस करना है. तो क्या लें, वी आर इंडियंस, क्योंकि हम लोग को चावल और रोटी के अलावा हम लोग को सोचते रहिए, और फास्ट फूड तो लगा ही रहता है. तो ये भी एक बात है, फास्ट फूड को आपको कैंसिल करना है. अगर आपको फैट लॉस प्रोग्राम आपको चालू करना है, तो आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको ये फास्ट फूड, जंक फूड और जितने भी ऑयली फूड है, जो मैक्सिमम कार्ब, जो जिसमें बहुत कार्ब्स रहता है, वो फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है. आप उसको माइनस कीजिए अपनी डाइट से सबसे पहले. जस्ट 2-3 मंथ्स आप दीजिए अपने आप को, फिर आप रिजल्ट देखिए, आप
खुद चौंक जाएंगे, ये क्या हो गया, मैंने ये कैसे कर दिया। तो गाइस चलिए वापस डाइट पे आते हैं। तो आपको ब्लैक कॉफ़ी लेना है सुबह, उसके बाद नाश्ता में क्या ले, नाश्ता में आपको लेना है ओट्स। अब बाज़ार में चाहिए सबसे अच्छा है क्विकर ओट्स, बट क्विकर ओट्स अभी सब जगह अवेलेबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो ये बिल्कुल अवेलेबल है, बट अदर देन मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ क्विकर ओट्स नहीं मिल रहा अभी। तो क्या ले, पतंजलि का ओट्स आता है, बाबा रामदेव की प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, मैं भी उसको यूज़ करता हूँ पतंजलि का, क्योंकि यहाँ जो है क्विकर ओट्स लेने के लिए मुझे बिग बाज़ार जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, हमको ट्रैवल करना पड़ता है अराउंड 10 किलोमीटर्स। तो मैं कभी कभी वहाँ से लाता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम टाइम मैं पतंजलि का ओट्स लेता हूँ, वो बहुत अच्छा है। तो आप सुबह को उठिए, सुबह को आप ओट्स लीजिए। ओट्स कैसे लेना है, आपको दूध के साथ लेना है, दूध के साथ ओट्स लीजिए। और क्या कीजिएगा हम बता दे रहे, ओट्स कैसे बनाने हैं, बना सकते हैं आप। तो ओट्स को आप पहले जो मिक्सर है मिक्सर में लीजिए, थोड़ा एक कप दूध लीजिए, एक कप ओट्स लीजिए, और उसमें 2 स्पून पीनट बटर डालिए, और उसको मिक्स करके आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद ये मील के बाद आपको आ जाता है मिड डे मील। मिड डे मील में आपको क्या लेना है, मिड डे मील में आप सिर्फ और सिर्फ आप सलाद लीजिए, खीरा हो गया, ककुम्बर, और उसके साथ आप कैरेट ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, और उसमें आप थोड़ा प्याज भी मिला सकते हैं। तो ये आपका जो मिड डे आपका लंच हो गया ये सलाद। उसके बाद लंच में आपको क्या लेना है, बहुत बड़ी सवाल है, लंच में क्या लेना है, क्योंकि राइस नहीं ले सकते हैं, उसके बाद चपाती नहीं ले सकते हैं, तो क्या ले, इसका भी उपाय है। आप लंच में लीजिएगा जो आपको गोल्डन हार्वेस्ट का आता है ब्राउन राइस, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं ब्राउन राइस, जो मैं लेता हूँ वो है गोल्डन हार्वेस्ट। इसमें क्या होता है, आपका ये जो ब्राउन राइस है इसमें आपका कार्ब का मात्रा कम रहता है, जो कि आपको अल्टीमेट फैट लॉस में आपको हेल्प करता है। तो आप ब्राउन राइस का आप सेवन करें। तो ब्राउन राइस आप कहाँ से मिल सकता है, आप कोई भी ग्रोसरी स्टोर चल जाइए, अगर आप मेट्रो सिटी में तो आपको इजीली अवेलेबल है, और अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं है तो आपका जो पास में बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार में जाइए, बिग बाज़ार में आपको गोल्डन हार्वेस्ट कंपनी का मिलता है ब्राउन राइस, तो आप उसको ले, और वो 100 रुपीज़ पर केजी आता है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको ये जो ब्राउन राइस है ये आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको कंज्यूम करना है, ताकि आपको कोई चेंजेस दिखे अपना फैट लॉस में विदाउट एनी वर्कआउट, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आता है इवनिंग टाइम में आप क्या ले, इवनिंग टाइम में आप ग्रीन टी, जो इजीली अवेलेबल है हर जगह अभी, ग्रीन टी का आप ग्रीन टी का सेवन करें। ग्रीन टी में क्या रहता है, आपको एक टी बैग आपको जो इवनिंग टाइम में लेना है, और उसके बाद इवनिंग टाइम में आप एक टी बैग ले लिए। उसके बाद जो डिनर टाइम है, डिनर टाइम में आप क्या ले, डिनर टाइम में भी आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, या तो आप मार्केट से ब्राउन ब्रेड ला सकते हैं। ब्राउन ब्रेड में भी, ब्राउन ब्रेड में क्या रहता है, उसमें भी आपको कार्ब का जो मात्रा है वो कम रहता है। तो अल्टीमेट हम लोगों को क्या करना है, अल्टीमेटली हम लोगों को वो जो भी कार्ब रिलेटेड फूड है हमको वो चीज़ माइनस करना है, जैसे कि आलू। आप आलू का सब्जी बिल्कुल मत ले राइस के साथ हो, या फिर डिनर टाइम में हो जो कि आपका ब्राउन ब्रेड के साथ, आलू आप बिल्कुल ना ले। जो जितना अब कुछ भी डाइट ले आपको कार्ब का मात्रा एकदम कम रखना है, या तो एकदम नहीं बराबर रखना है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप लिटिल बिट ऑफ फैटी फूड्स, गुड फैटी फूड्स, नॉट बैड वन, गुड फैटी फूड्स, वो आप ले सकते हैं, जैसे कि ऑयल में फ्राइड हो गया कोई भी आपका साग सब्जी जो ऑयल फ्राइड है वो आप ले सकते हैं। बट जो कार्ब लोडेड फूड है, जैसे कि राइस हो गया, आलू हो गया, और फिर आपका जंक फूड तो एकदम मत लीजिए, और फास्ट फूड भी एकदम मत लीजिए। तो हम लोग कहाँ थे, डिनर के बारे में बात करें, तो डिनर में आप यही लीजिए कि आप ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, या तो आप ब्राउन राइस ले लीजिए, उसके साथ आप प्रोटीन फूड खाइए। प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी है, अंडा हो गया, चिकन हो गया, फिर आपका फिश हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप पनीर भी खा सकते हैं, पनीर भी बहुत अच्छा है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। तो ये डाइट आप बिल्कुल मेंटेन करें। तो लास्ट में मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको सब जो डाइट है आपको सब उसमें लिखा रहेगा, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। विदाउट एक्सरसाइज आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आपका वर्कआउट से क्या होता है, वर्कआउट से आपका मसल ग्रोथ होता है, मसल बिल्ट होता है, देख रहे हैं, मसल बिल्ट होता है। बट अगर वर्कआउट नहीं करते और सिर्फ डाइट फॉलो करते हैं तो आपका नॉर्मल मसल्स होगा, जो नॉर्मल आपका जो भगवान का दिया हुआ मसल है वो रहेगा, और जो एक्स्ट्रा मसल है वो कट जाएगा आपका जो शरीर से।
तो यही था, थैंक यू गाइस इसको देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका इस सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं आपके लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, यहाँ पे सांड बन जाइए और इस लाल बटन को ठोक दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।